हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए क्या बिस्किट्स का रेसिपी, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कप सूजी और दो चम्मच घी से बनाएंगे। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो चम्मच का घी का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है कि मुँह में जाते ही घुल जाएगी। आप लोग देख सकते हो ये अभी मेरे हाथ में, तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट थी। और इसकी ख़ास बात ये है क्योंकि आप लोग ये इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। और आप लोग एक बार बना लेते हो ना, तो बाज़ार का बिस्किट लाना भूल जाओगे, इतना ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा ब्लेंडिंग जार। तो इस ब्लेंडिंग जार में मैं भी यहाँ पर डाली चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर डाला है चार चम्मच। और तो बस चीनी डालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे काजू। तो काजू मैंने लिया है 8 से 10 काजू, और बस 6 से 7 लिया बादाम, साथ में लिया 2 इलायची फ्लेवर के लिए। और तो बस इसका हम लोग एक बना लेंगे पाउडर। तो बस इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको इस तरह से इसका पाउडर बना करके रख लेंगे एक बाउल में। तो सभी चीनी और ड्राई फ्रूट्स को पाउडर को निकाल लेंगे और एक बाउल में अभी फ़िलहाल अभी रखेंगे इसको साइड में। और सेम लेंगे जार और इसमें मैं डाली सूजी। तो एक कप मैं ले लिया है सूजी, और सूजी को इस तरह से पाउडर के फॉर्म में इसको हम लोग पीस लेंगे। तो ये देखिए सूजी भी हमारी अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब इसमें डाल देंगे इसी बाउल में। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़े से नमक। नमक बहुत ही कम डालेंगे, ज़्यादा नमक का यूज हम नहीं करेंगे, बस एक पिंच जितना ही नमक डालेंगे। तो एक पिंच जितना मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे नमक को। तो ये देखिए नमक अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम लोग लेंगे घी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ घी, तो सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच ही डालूंगी घी, ज़्यादा घी हम लोग नहीं डालेंगे। तो ये देखिए इतना ही घी मैंने यहाँ पर डाला है। और फ्रेंड्स, ये घी का रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाकर के देख सकते हो कि गर्मियों में किस तरह से थोड़े से मलाई से ज़्यादा घी निकाल सके। तो बस सारे घी को हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पर मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी स्पून से। स्पून का अब हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मुयाम बनेगी। तो बस अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। तो बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर डाला था मैदा 4 चम्मच। तो जिस चम्मच से लिया था चीनी, उसी चम्मच से लिया था मैदा। तो मेजरमेंट आप लोग कर सकते हो किसी भी चीज़ से। तो अगर आप लोग एक कटोरी सूजी लेते हो तो 4 चम्मच डालना चीनी, तो इसका ना मीठापन इससे एकदम परफेक्ट आएगी। अगर 2 कटोरी लेते हो सूजी तो 8 चम्मच डालना चीनी। तो बस थोड़े से हम लोग डालेंगे पानी, बस इतना ही डालना है पानी। और इतना ही पानी में हमारी बहुत ही तरह से आटा घुट जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीनी है। तो चीनी डालने के बाद ना पानी बहुत कम डालना होता है, एक बार में पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा हमारी गीला हो जाएगी। तो ये देखिए आटा हमारी लग चुकी है, और इसको अब ऊपर से अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मसल मसल करके आटे को चिकना कर लेंगे, यानी कि आटे को हम लोग नरम कर लेंगे। तो ये देखिए आटे हमारी अच्छी तरह से लग चुकी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में ताकि ये अच्छी तरह से आटे हमारी सेट हो जाए। तो लगभग मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी, तो आप देख सकते हो आटे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। वापस इसको हाथों से हम लोग चिकना कर लेंगे। तो अब चलिए इसको रखते हैं स्लैब पर। अब मैं यहाँ पर छोटे से ले रही लोई। तो बस एक यहाँ पर ले लिया है लोई। अब इस पर डालेंगे सूखा आटा, चाहो तो मैदा भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया था। बस थोड़े से सूखा आटा लेंगे और इसको अच्छी तरह से लोई में लपेट लेंगे, और इस तरह से बस बेलन से इसको बेल लेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना है ना सूखा आटा, इसको इस तरह से निकालेंगे। तो आप लोग थिकनेस इसका देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से बिस्किट का रखना है थिकनेस। तो चलिए अब हम लोग इसका देते हैं शेप। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है
बिस्किट बनाने का एक कटर। तो इस तरह से मैंने इस तरह से लिया था डिजाइन वाला। अगर आपके पास ना हो तो किसी भी चीज़ से कट कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का ही होना चाहिए, ट्रायंगल का ही, सॉरी स्टार का ही। तो मेरे पास ये इस तरह का कटर था स्टार शेप्स का, तो मैंने स्टार शेप्स दिया था। अगर आपके पास किसी भी तरह का हो वो दे सकते हो, अगर इस तरह का कटर ना हो तो भी चलेगा। मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से बिस्किट को कट कर सकते हो। तो बस इसी तरह से जितना मैंने इसको कट किया इसको निकालेंगे, और जो ये बचा हुआ है वापस से इसको हम लोग और आटा मिला करके इसी तरह से बिस्किट को मैंने यहाँ पर बना करके रख लिया था। तो अब मैं आप लोगों को बता रही, इस तरह के किसी भी तरह का आप लोग के पास ढक्कन हो, ढक्कन होता है ये हर किसी के घर में, तो बस आप लोगों को नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि किस तरह से करना। तो इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से बहुत ही सुंदर गोलाई हमारी आ जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो ढक्कन से भी कर सकते हो। तो ये देखिए सारी बिस्किट हमारी अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने बना करके रख लिया है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक के ऊपर एक रखा है, फिर भी ये नहीं चिपकी है। तो आप लोग नॉर्मली क्या करना, इसको फ्रिज में भी डाल सकते हो। अगर आप लोग को अभी फ्राई नहीं करना है तो कुछ देर के लिए फ्रिज में भी डाल सकते हो, एक दिन या दो दिन के लिए भी डाल दो ढक कर के, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक दूसरे में चिपकेगी नहीं, सूजी है इसीलिए। तो बस इसमें डाल दिया है ऑयल, गर्म होने कढ़ाई डाल दिया था गैस के ऊपर गर्म होने के लिए, इसमें डाल दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। अच्छी तरह से जब ऑयल गर्म हो जाएगी तब एकदम फ्लेम को रखना है लो, हाई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो बिस्किट हमारी जल जाएगी। एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पर बिस्किट को फ्राई करना है। तो बस सारे बिस्किट मैंने इसमें डाल दिया था फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए इतना मैंने डाल दिया था, बाकी जो बचा था उसको मैंने बाद में फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से फॉर्क की मदद से इसको पलटा देंगे सारी बिस्किट को। तो ये ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट थी हमारी बिस्कुट, एकदम आराम आराम से पलटाना है। हर बार दरबार में इसको पलटाएंगे ना तो ये टूट भी सकती है, तो इसीलिए एकदम आराम आराम से पलटाना है। तो बस सारी बिस्किट हमारी पलट चुकी है और बाकियों को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप लोगों को दिखा रही इस तरह से मैं तोड़ करके, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुँह में जाते एकदम घुल जाएगी। आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये बिस्किट घर में बनाया हुआ है और वो भी सूजी से। तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हो और महीनों तक रख सकते हो स्टोर करके, इसकी खास बात ये है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर नहीं आता तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।